लो कर लो होड़, मीर भोज के वंशज ऐसे ही दहाड़ेंगे। महान गुज्जर सम्राट गौरव गुज्जर रविंसी भाटी शेर हैं अपने। चंद्रशेखर आजाद जी के नजदीकी एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी बने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। किसान और युवाओं के लिए कई बार जा चुके हैं जेल। सजा दो नोएडा हाईवे को, मेरे सम्राट आए हैं। गौरव गुज्जर रविंद्र भाटी जी कहाँ आए हैं? दोस्तों, नोएडा संघर्ष का एक बड़ा नाम है एडवोकेट रविंद्र भाटी जी, जो जमीनी स्तर पर पिछले 20 साल से संघर्ष की प्रतिमूर्ति रहे हैं। एडवोकेट रविंद्र भाटी गुज्जर समाज के देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय गुज्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने एडवोकेट रविंद्र भाटी जी को आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक बड़ा दांव खेला। रविंद्र भाटी जी की पहचान पूरे देश के ओबीसी नेता के साथ साथ एक बड़े गुज्जर नेता के रूप में भी होती है। साफ छवि, ईमानदार किसान नेता, आंदोलनकारी, संघर्ष, निडर, बहादुर, समान सेवा और कुशल संगठन नेतृत्व की क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। जानकार बताते हैं कि इससे आजाद समाज पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एडवोकेट रविंद्र भाटी कई बार किसानों के लिए जेल और बेरोजगार युवाओं के लिए जेल जा चुके हैं। गुज्जर सम्राट मीर भोज दादरी प्रकरण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि दुनिया के कोने कोने में यह वीडियो सभी युवाओं को देखने मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूले, लगातार शेयर करते जाए। साथियों को और भी बुखार है, जो यहाँ पे जेल में बुखार होने के बावजूद भी एक भी साथी यहाँ से हिला नहीं। सबको मैं सलूट करता हूँ, जो बाहर हमारी लड़ाई को जितने साथी लड़ रहे थे, जितने एडवोकेट्स लड़ रहे थे, जितने बाहर हमारी टीम सुनील फौजी और पहलवान अमित पहलवान, जितने भी संघर्ष के साथी लड़ रहे थे, जितने एडवोकेट्स लड़ रहे थे, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि ये लड़ाई हमने अंदर लड़ी, आपने बाहर लड़ी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।